अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आपकी सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दिसंबर 23 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है, क्योंकि इस अटेम्प्ट के बाद सीए इंस्टीट्यूट के अपने सिलेबस में चेंज होने वाला है। तो इस डू और डाई अटेम्प्ट में एपेक्स एकेडमिक्स आपके साथ 100% कमिटेड है कि आपको फेवरेबल रिजल्ट मिले। मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लाए हैं बाय मेकिंग अवेलेबल फॉर यू कंप्लीटली सॉल्व्ड एडिशनल क्वेश्चन बैंक of most important chapters in maths syllabus। इसके सीरीज में हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फॉर द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है 144 क्वेश्चंस की। 144 क्वेश्चंस हमने आपके लिए पूरी तरीके से सॉल्व करके अवेलेबल कर दिए हैं। दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल टू यू इन अ सीरीज ऑफ वीडियोस इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। वी विल नाउ लुक एट ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कंप्लीटली सॉल्व्ड फॉर यू इन योर एडिशनल क्वेश्चन बैंक सीरीज on permutations and combinations। तो चलिए, let us go to question number 1। Question number 1 कहता है कि there are 6 routes for a journey from station A to station B। In how many ways you can go from A to B and return if for returning you make a choice of any of the routes। तो देखिए, ये है station number A और ये है station number B। From A to B, you can go in 6 routes. So let us highlight 6 routes. Route number 1, route number 2, route number 3, route number 4, route number 5, and route number 6. अब ये कहते हैं कि in any ways you can go from A to B. तो चलिए A to B जाने के मेरे पास 6 ways आ गए। And you have to come back from B to A। और B to A बोलता है you can make a choice of any of the routes। मतलब B to A आते वक्त आप रूट नंबर 1 से आ सकते हो, रूट नंबर 2 से आ सकते हो, रूट नंबर 3 से, रूट नंबर 4 से, रूट नंबर 5 से, रूट नंबर 6 से। मतलब A से B वापस आते हुए भी आपके पास 6 तरीके हैं। मतलब A to B 6 and मतलब मल्टीप्लीकेशन B to A6, मतलब you have a total of 36 ways or you can say 36 routes to go from A to B और B to A वापस। हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आप A से B तो जाएंगे एंड आप B से A वापस आएंगे, तो एंड कंडीशन को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड कंडीशन को हमेशा हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और कंडीशन को हम हमेशा ऐड करते हैं। इस बात को याद में रखना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एंड जब होता है तब हम करते हैं मल्टीप्लाई, और जब होता है तब हम करते हैं ऐड। तो ए से बी जाने के 6 तरीके एंड बी से ए आने के 6 तरीके, मतलब 36 तरीकों में आप ए से बी और बी से ए में आपकी वापसी तय कर सकते हो। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। एज पर क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव डिसाइडेड टू टेक द सेम रूट। इसका मतलब है A to B। अब A to B जाने के लिए you have 6 routes। You have 6 routes to go from A to B। अभी A to B तो मैं चला गया, 6 रूट्स में से कोई भी एक रूट सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शंस है। पर B to A आने वक्त, अब सपोज कीजिए कि मैं रूट नंबर 1 से जाता हूं और बी टू ए आते वक्त मुझे उसी रूट से वापस आना है। मतलब बी टू ए आते वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रूट अवेलेबल है, 6 नहीं। मैं सेम रूट लूंगा। तो ए टू बी and B2A means I have 6 into 1, which is equal to 6 options available for me. Question number 2, I have 6 options available for me. Question number 3, as per question number 1, if you decide not to take the same route, अब देखिए A से B जाने के लिए मेरे पास 6 रूट्स अवेलेबल है। ये 6 रूट्स में से मैं कोई भी एक रूट सिलेक्ट कर सकता हूं। सो A to P I have 6 ways to go and मुझे वापस आना है B2A, लेकिन B2A आते हुए मैं वो रूट नहीं सिलेक्ट कर सकता जो मैंने A to B जाते हुए सिलेक्ट किया। तो मान लीजिए मैं A to B इस पहले रास्ते से चला गया, तो मैं ये पहला रास्ता नहीं चूज कर सकता, लेकिन वापस आते हुए मैं उसको छोड़ के कौन से भी इन 5 रूट्स में से कौन सा भी रूट सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास ये करने के 5 तरीके आ जाते हैं, मतलब 6 into 5 आई हैव 30 रूट्स of doing this. I have 6 into 5, 30 routes of coming back from B to A. अगर मैं कोई भी एक रूट चूज करता हूं जो मैंने पहले यूज नहीं किया हुआ, तो A से B 6 तरीके और उन 6 में से एक रूट मैंने यूज किया, तो मेरे पास बचे ये 5 रूट। इन 5 रूट में से कौन सा भी एक रूट अप्लाई करके मैं B to A वापस आ सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हाउ मेनी टेलीफोन कलेक्शंस कैन बी अलॉटेड विथ 8 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपके पास ऑप्शंस है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यू हैव 10 ऑप्शंस और इन 10 ऑप्शंस में से आपको एक 8 डिजिट का फोन नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए फोन नंबर में डिजिट्स बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं। फर्ज मानिए आपका फोन नंबर है 555 555 555। आपका फोन नंबर ऐसे भी हो सकता है 1800 00। क्यों नहीं हो सकता? ये रोल नंबर, ये नंबर्स, ये फोन नंबर्स तो हम देखते हैं, कॉल सेंटर वाले नंबर जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं वो तो सारे ऐसे ही होते हैं, उनमें नंबर्स रिपीट होते हैं। और दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं है कि पहले डिजिट पे आप 0 ये नंबर नहीं लिख सकते। आपका नंबर 0 4 0 4 0 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी हो सकता है। आपका नंबर 0 1 0 1 ऐसे भी हो सकता है, करते करते 8 डिजिट। तो किसी भी डिजिट पे अगर आप देखें तो आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। तो आपके पास है 10 ऑप्शन। कितने ऑप्शन है आपके पास? 10 ऑप्शन। तो पहला नंबर आप 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा नंबर 10 तरीके से, एंड तीसरा नंबर 10 तरीके से, एंड चौथा नंबर 10 तरीके से, एंड पांचवा नंबर 10 तरीके से, एंड छठा नंबर 10 तरीके से, एंड सातवां नंबर 10 तरीके से, एंड आठवां नंबर 10 तरीके से। You can choose each one of the 8 digits of the phone number in 10 different ways. देखा जाए तो ये आप 10 to 8 different तरीकों से कर सकते हो। How? 10 into 10 into 10, 8 times is nothing but 10 raised to 8. That is why your answer over here comes to 10 raised to 8. उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब देखिए how many different ways 3 rings of a lock cannot combine when each ring has the digits 1 2 3 4 5 6 7 8, leading to unsuccessful events. देखिए अपने आप में ये काफी एक स्पेशल किस्म का क्वेश्चन है, मैं ऐसे मानता हूं। तो चलिए देख लीजिए क्या कहना चाहता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट बोलता है कि एक रिंग लॉक है, एक रिंग लॉक है, और इस रिंग लॉक के जो ये कोड है 3 डिजिट का कोड है, ये 3 डिजिट का कोड आप कौन सा भी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबर्स का इस्तेमाल करके आप ये लॉक का कोड बिल्कुल रख सकते हो। तो कोड जो होगा आपका वो होगा 3 डिजिट का। इन 3 डिजिट में आप कुछ भी कोड रख सकते हो। यू कैन कीप 000, यू कैन कीप 007 जेम्स बॉन्ड, यू कैन कीप 100 सेंचुरी, आप रख सकते हो 123, आप रख सकते हो 456, आप रख सकते हो 789, जो मन करे आप रख सकते हो। इसमें नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, आप कुछ भी चाहे कर सकते हो, पहला डिजिट कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। तो अगर ऐसे हुआ तो इन 10 ऑप्शंस में से पहला नंबर कोड का मैं 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, दूसरा नंबर मैं 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं और तीसरा नंबर मैं 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। सो हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट कोड? We can select code in 10 into 10, 100 into 10, 1000 ways. In 1000 ways, we can select the code. लेकिन ये कहता है कि कितने attempts आपके unsuccessful होंगे। Unsuccessful मतलब आपका ताला खुलेगा ही नहीं। अब मान लीजिए मेरे ताले का कोड है 027, ये मेरा कोड है। अब 027 छोड़ के मैं कोई भी दूसरा नंबर लगाऊं तो मेरा अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल ही होने वाला है। तो हाउ मेनी वेज कैन आई हैव सक्सेसफुल लॉक ओपनिंग? सक्सेसफुल लॉक ओपनिंग आई कैन डू ओनली इन वन वे बिकॉज आई हैव वन कोड ओनली। सो अगर 1000 तरीकों में से एक तरीका सिलेक्ट करके एक लॉक का कोड मैंने रख दिया तो ऑब्वियसली 999 तरीके ऐसे हो जाएंगे कि मेरा अनसक्सेसफुल हो जाएगा अटेम्प्ट एट ओपनिंग द लॉक। क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा मेरा अटेम्प्ट एट ओपनिंग द लॉक। तो अगर मैं कहूं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 लिंक्स ऑफ अ लॉक कैन नॉट कंबाइन मींस दे बिकम अनसक्सेसफुल, तो दे विल बिकम अनसक्सेसफुल इन 999 डिफरेंट वेज। 10⁵ आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सिलेक्ट द लॉक। और ये जो है 10 फैक्टोरियल और 997 ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। योर आंसर इज क्लियरली 999। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है। अगला सवाल, अ डीलर ऑफ अ मारुति कार एंड अ वैन। सबसे पहले समझ के चलिए देयर इज अ मारुति कार एंड देयर इज अ मारुति वैन। वो मारुति वैन हुआ करती थी ना, उसका दरवाजा ऐसे यू खुलता था। आजकल वो आती है एको नाम के वैरायटी में। हिंदी फिल्मों में ये जो मारुति वैन होती थी उसको लोग बोला करते थे किडनैपिंग वैन। वहां पे जब भी कोई फिल्म में अपहरण का सीन होता था ना तो विक्टिम को भर के उस मारुति वैन में रख दिया जाता था और फिर हीरो एकदम तेज एंट्री लेकर के विलन की धुलाई कर देता था। तो वो थी मारुति वैन। तो कहते हैं कि मारुति वैन और मारुति कार के 2 बॉडी पैटर्न्स हैं। देयर आर 2 पैटर्न्स एंड देयर आर 5 कलर्स। हाउ मेनी चॉइसेस आर ओपन टू यू? तो सपोज कीजिए कि मुझे कार सिलेक्ट करनी है, तो कार सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 पैटर्न एंड मतलब मल्टीप्लाई 5 कलर्स। तो 10 तरीके से मैं गाड़ी सिलेक्ट कर सकता हूं और वैन सिलेक्ट करने के लिए भी मेरे पास 2 पैटर्न और 5 कलर, तो मैं 10 पैटर्न्स में वैन को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो 10 तरीके गाड़ी के, 10 तरीके वैन के। सो देयर आर 20 वेज दैट आर ओपन फॉर मी टू सिलेक्ट द कार। देयर आर 20 वेज दैट आर ओपन फॉर मी टू सिलेक्ट द कार। अगला सवाल, 3 persons गो इनटू अ रेलवे हैविंग 8 सीट्स है, इन पे रखने आपको 3 persons। हाउ मेनी वे दे कैन ऑक्यूपाई का मतलब होता है उनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंज मतलब ये सवाल परम्यूटेशंस का है। ये सवाल किसका है? परम्यूटेशंस का है। परम्यूटेशंस का अगर ये सवाल होगा तो 8 में से आपको 3 अरेंजमेंट करनी है। आंसर इज 8p3। लेकिन परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में आप कई सारे फैकल्टीज को ऑनलाइन देखेंगे, वो आपको कॉम्बिनेशंस के तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जिसमें ये होता है लॉन्ग कट ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसको भी समझ लीजिए एक फॉर्मूला है वो कहता है NPR जो है दैट इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। देखिए सबसे पहले आप 8 में से जो है ना 3 को सिलेक्ट करें। मैंने क्या कहा, 8 में से 3 को सिलेक्ट करें। कैसे होगा वो 8C3 तरीके से होगा। और आपने अब ये 3 को सिलेक्ट कर लिया है तो उन 3 को आपस में आप अरेंज कर लीजिए। In how many ways can you arrange 3 people amongst themselves? Of course, in 3 factorial ways. So 8C3 multiplied by 3 factorial. This is nothing but, my dear students, 8P3. This is nothing but 8P3. इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे है 8P3. 8C3 will only be a selection. इसीलिए ये गलत है। 8C5 और 8C3 में कोई अंतर नहीं है। याद रखिए NCR is equal to NCN minus R। तो अगर मैं कहूं 8C3 it is equal to 8C8 minus 3 which is equal to 8C5। तो 8C5 और 8C3 are same। तो अगर 8C3 गलत है तो 8C5 भी गलत होगा। none भी गलत है क्योंकि आपका जवाब है 8P3। 8P3 को लिखने का दूसरा तरीका है 8C3 multiply by 3 factorial, a method that is used by many of the faculties, learned qualified faculties, you can see on the YouTube। वो सब यही तरीके को यूज करते हैं। आगे चलते हैं। How many 5-letter words? Now interesting question। How many 5-letter words can you form out of the word logarithm? Out of the word what? Logarithm। चलो देखो लॉगरिथम अपने आप में LOGATHRITHM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉगरिथम। 1 सेकेंड, मेरे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लॉगरिथम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा लॉगरिथम का एक्चुअल स्पेलिंग ले लिया, इनका स्पेलिंग नहीं ले लिया। तो लेट अस टेक देयर स्पेलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास है 10 अल्फाबेट्स। इन 10 अल्फाबेट्स में से आपको तैयार करना है एक 5-letter वर्ड जो मीनिंगफुल भी हो सकता है या कोई भी मीनिंगफुल नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा वर्ड बना सकता हूं RITHM। इट्स अ वर्ड बट इट हैज नो मीनिंग। तो 10 अल्फाबेट्स में से मुझे 5 अल्फाबेट्स 5 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है। और मतलब ये हुआ कि 10 में से पहले मेरे को 5 सिलेक्ट करने हैं और उन 5 को अरेंज करना है। मतलब 10P5 is my answer. What is my answer? 10P5। Arrange करना है। क्या करना है? Arrange करना है। अगर मैंने 10 में से 5 को arrange करना है तो मैंने permutations ही लगाने। Suppose करो कि मुझे इसको combinations के तरीके solve करना है। किसके तरीके solve करना है? Combination। तो चलिए 10 में से आप पहले 5 select कीजिए। कैसे करेंगे? 10C5। फिर 5 को अरेंज करो अपने आप में। मतलब 5 फैक्टोरियल। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज 10C5 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल? इट इज नथिंग बट NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट NPR and that is same way written as 10P5. So remember that you have to arrange 5 alphabets out of 10 alphabets to make a word. Your answer for this is nothing but 10P5. What is your answer? 10P5. Next, very interesting question. Very interesting question in itself. What are they saying? How many 4 digits numbers greater than 7,000 can be formed out of the digits 3, 5, 7, 8 and 9? Very interesting. They are saying how many 4-digit numbers. सबसे पहले बोलता है 4-digit नंबर। 4-digit नंबर यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स विच इज ग्रेटर देन 7,000। 7,000 से बड़ा नंबर। किससे बड़ा नंबर? 7000 से बड़ा नंबर, मतलब कुछ भी हो जाए। देखिए नंबर इज ग्रेटर देन 7000, मतलब कुछ भी हो जाए, थाउजेंड्स की जगह पे आपको 7 से ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा बड़ा आंकड़ा लिखना है। और आपके ऑप्शंस क्या है? 3, 5, 7, 8, 9। तो अगर मुझे ग्रेटर देन 7000 एक नंबर बनाना है तो थाउजेंड्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं या तो 7 या तो 8 या तो 9। मैं 3 और 5 ये नंबर्स नहीं लिख सकता, क्योंकि यदि मैंने 3 लिखा तो मेरा नंबर 3000 सीरीज में आएगा, और यदि मैंने 5 लिखा तो मेरा नंबर 5000 सीरीज में आएगा। तो थाउजेंड्स की डिजिट भरने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। आई हैव 3 वेज ऑफ डूइंग इट। मान लीजिए मैंने 7 को यूज कर लिया, तो अब 100 की जगह भरने के लिए मेरे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? 100 की जगह भरने के लिए मैं 5 को यूज कर सकता हूं, 3 को यूज कर सकता हूं, मैं 8 को यूज कर सकता हूं, और मैं 9 को यूज कर सकता हूं। सो आई हैव गॉट 4 वेज ऑफ फिलिंग माय हंड्रेड्स प्लेस। अज्यूम कीजिए मैंने 5 को यूज कर लिया, अब मेरे पास 10s की जगह भरने के लिए कितने नंबर बचे? 3 बचा, 8 बचा और 9 बचा। सो आई हैव 3 वेज ऑफ डूइंग दिस। नाउ यूनिट्स की जगह भरने के लिए पकड़ लीजिए मैंने 3 को यूज कर लिया, तो मेरे पास अब 8 नंबर बचा और 9 नंबर बचा। There are 2 ways of doing this. So 3 into 4, 12. 3s are 36. 2s are. There are 72 ways of doing this. How many ways? There are 72 ways of doing this. लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को अगर ये सवाल पूछा जाए, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंट स्टूडेंट यही बोलेगा, वो बोलेगा कि इतना लॉन्ग कट करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लॉन्ग कट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास ऑप्शंस ये है, हमारे पास ऑप्शंस है 3, 5, 7, 8 और 9। हम 3 और 5 को यूज नहीं कर सकते, तो हम किसे यूज कर सकते हैं? हम 7, 8 और 9 को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने मान लीजिए इन तीन में से कोई भी एक यूज कर लिया, तो हमारे पास बन गए 3 तरीके ये थाउजेंड्स की जगहों को भरने के लिए। अब हमारे पास 3 ब्लैंक स्पेसेस है। कितने पास है? 3 ब्लैंक स्पेसेस। और ये 3 ब्लैंक स्पेसेस भरने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? वी हैव गॉट द ऑप्शंस, लेट से हमने 7 यूज कर लिया, तो वी हैव गॉट द ऑप्शंस 4, वी हैव गॉट द ऑप्शन 3, 5, 8 एंड 9। हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? We have got the options 1, 2, 3, 4. How many options? 4 options. We have got 4 options, and out of these 4 options, we have to fill how many places? We have to fill up 3 places. 4C3. 4 into 3 into 2. So it is 3 multiplied by 4C3, which is 3 multiplied by 4 into 3 into 2. What is the answer? 4 3s are 12, 2s are 24, 3s are 72. Or else you can go to say पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 3, दूसरा 2. याद रखिए, पूरा YouTube छान मारिए, ये सम को सॉल्व करने का ये वाला फंडा कोई भी फैकल्टी नहीं बताता। सारे फैकल्टीज ये एक सिंपल तरीका बता के छोड़ देते हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे रैंकर्स बनेंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूट में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, वो इस तरीके से सीखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनकी ज्यादा आएगी। ये मेरा पर्सनल मानना है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इन हाउ मेनी वेज 5 संस्कृत बुक्स, 3 इंग्लिश बुक्स एंड 3 हिंदी बुक्स कैन अरेंज सच दैट कीपिंग द बुक्स ऑफ सेम लैंग्वेज टुगेदर। मतलब संस्कृत की सारी किताबें साथ में, हिंदी की सारी किताबें साथ में और इंग्लिश की सारी किताबें साथ में। तो चलिए मेरे पास संस्कृत की कितनी बुक्स है? 5 बुक्स। 1, 2, 3, 4 और 5. These are 5 संस्कृत books. कुछ भी हो जाए ये किताबें अपने आप में साथ ही रहेंगी. So they become one big chunk. And this one big chunk can be internally arranged in 5 factorial ways. क्योंकि 5 किताबें हैं, मैं 5 अलग अलग ये arrangements करके 5 factorial ways में उन्हें arrange कर सकता हूँ. And मुझे कौन सी बुक arrange करनी है? हिंदी की 3 बुक है मेरे पास. तो चलिए ये पहली हिंदी की बुक, ये मेरी दूसरी हिंदी की बुक और ये मेरी तीसरी हिंदी की बुक। ये एक चंक बन गया, लेकिन इसके भीतर 3 किताबें हैं जो मैं 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। एंड मेरे पास इंग्लिश की 3 बुक्स है, इंग्लिश की पहली बुक, इंग्लिश की दूसरी बुक और इंग्लिश की तीसरी बुक। ये 3 बुक्स का एक चंक बन गया और ये बुक्स मैं अपने आप में अरेंज कर सकता हूं 3 फैक्टोरियल वेज। अब देखिए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई अगेन बाय 3 फैक्टोरियल। व्हाई अगेन बाय 3 फैक्टोरियल? क्यों? क्योंकि ये 3 अपने आप में अरेंजमेंट बनेंगी। तो 3 फैक्टोरियल मतलब कैसे? पहले आप संस्कृत को रखो, फिर हिंदी को रखो, फिर इंग्लिश को रखो, फिर आप संस्कृत की बुक सारी रखो, फिर इंग्लिश की रखो, फिर सारी हिंदी की रखो, फिर आप हिंदी की सारी बुक्स रखो, संस्कृत की सारी बुक्स रखो, इंग्लिश की बुक्स रखो, फिर आप हिंदी की सारी बुक्स रखो, इंग्लिश की सारी बुक्स रखो, फिर संस्कृत की रखो, फिर आप इंग्लिश की सारी बुक्स रखो, हिंदी की सारी बुक्स रखो, और फिर आप रख दो संस्कृत की बुक्स, फिर आप इंग्लिश की सारी रखो, फिर संस्कृत की सारी रखो और हिंदी की सारी रखो। ये करने के अपने आप 6 तरीके होते हैं। अगर आप इन किताबों को सारा इकट्ठा रखें और अपने आप में वो भीतर इंटरनली अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में। मतलब व्हाट आर द टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग इट? इंटरनल अरेंजमेंट्स विल बी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। वंस द इंटरनल अरेंजमेंट्स आर डन, संस्कृत हिंदी इंग्लिश, फिर ये सारी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल आपके पास अवेलेबल है। वो सारी बुक्स को रखने के लिए आपका आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आगे जाकर के आप याद रखिए, इसको लिखने का एक और तरीका बनता है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल का क्यूब। ऐसे ऑप्शंस आपको आगे जाकर के आने वाले हैं, तो प्लीज बी अवेयर कि इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी की तरफ अब हमारे जो है आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन अ राउंड टेबल। तो देखिए क्या बोलते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल। जब भी आपको ये वर्ड आता है अराउंड अ टेबल, जब भी आपको ये वर्ड आता है अराउंड अ टेबल, तो आपको याद रखना है कि ये है सर्क्यूलर अरेंजमेंट्स। सर्क्यूलर अरेंजमेंट्स सच दैट no 2 boys are adjacent, no 2 boys are adjacent। तो देखिए करना क्या है, ये एक सर्कुलर टेबल है। इस सर्कुलर टेबल में आप बिठाएंगे 6 लड़कियों को, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 और यहाँ पे गर्ल 6। इनके बीच में आपको लड़कों को बिठाना है बिकॉज no 2 boys are to be seated together। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि नो 2 बॉयज आर टू बी सीटेड टुगेदर। तो अगर आप बॉयज को साथ में नहीं रख सकते तो बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 और बॉय 6, ये 6 लड़कों की आपकी अरेंजमेंट बन जाती है। अब ये करने के कितने तरीके याद रखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, एक सिंपल आपको फॉर्मूला देता हूं। इसमें ना 2 कंडीशन, क्या कंडीशन? सबसे पहले जिसमें कंडीशन है, कंडीशन किसमें है? बॉयज में है। तो जितने बॉयज है ना उतने का फैक्टोरियल ले लेने का, जितने बॉयज है ना उतने का फैक्टोरियल ले लेने का। तो कितने बॉयज है मेरे पास? मेरे पास है 6 बॉयज, तो मैंने उतने का फैक्टोरियल ले लिया। मल्टीप्लाई बाय जिसमें कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसमें नहीं है? गर्ल्स में नहीं है। तो जिसमें कंडीशन नहीं है उसका n-1 फैक्टोरियल ले लेने का। तो कितनी लड़कियां हैं भैया? 6 गर्ल्स हैं, तो 6-1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, जो भी आपको कहना है। आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर B, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। याद रखें, जिसमें कंडीशन नहीं है उसके नंबर ऑफ आइटम्स को n-1 लेने का, मल्टीप्लाई बाय जिसमें कंडीशन है उसके टोटल आइटम्स का फैक्टोरियल लेने का। कंडीशन किसमें है? बॉयज में, जितने बॉयज है उतना फैक्टोरियल। फिर कंडीशन किसमें है? नहीं है, गर्ल्स में नहीं है, तो जितने गर्ल्स है उसका -1 फैक्टोरियल, तो 6-1 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप ये राउंड टेबल वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया है। अगला सवाल, In how many ways can 4 Americans and 3 Englishmen be seated at a round table so that no 2 Americans are together? Same है भैया, पहले round table बना लो। क्या बोलते हैं, नो 2 Americans are together, तो पहले किसको बिठाओगे? पहले इंग्लैंड वाले लोग को बिठा दो। कितने हैं? 4 इंग्लैंड वाले हैं। तो ये इंग्लैंड वाला पहला, इंग्लैंड वाला दूसरा, इंग्लैंड वाला तीसरा और इंग्लैंड वाला चौथा। अब अमेरिका वाले को बिठा दो, सो दैट नो 2 आर टुगेदर। तो यहाँ पे पहले अमेरिकन को बिठा दो, यहाँ पे दूसरे अमेरिकन को बिठा दो, यहाँ पे तीसरे अमेरिकन को और यहाँ पे चौथे अमेरिकन को बिठा दो। सो द 4 अमेरिकन आर सिटिंग बिटवीन द इंग्लिशमैन। आस्क योरसेल्फ, किसमें कंडीशन है और किसमें कंडीशन नहीं है? तो जिसमें कंडीशन है, जिसमें कंडीशन है, तो अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। किसमें कंडीशन है? कंडीशन है अमेरिकन में, तो अमेरिकन का फैक्टोरियल ले लेने का। अमेरिकन कितने हैं? 4, उतने का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसमें नहीं है? इंग्लिशमैन में नहीं है। इंग्लिशमैन कितने हैं मेरे पास? 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इज द वे ऑफ डूइंग दिस। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल देखने का दूसरा तरीका, दूसरा भी तरीका है। फर्स्ट किसे बिठाओगे? सर फर्स्ट मैं इंग्लिशमैन को बिठा दूंगा। फर्स्ट मैं ना इंग्लिशमैन को बिठा दूंगा। इंग्लिशमैन कितने भैया? 4, तो फर्स्ट जिसे बिठाया ना उसका माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब वो 3 फैक्टोरियल। फिर क्या होगा? फिर सर मैं अमेरिकन को बिठाता हूँ। फिर मैं किसे बिठाता हूँ? अमेरिकन को बिठाता हूँ। फिर जिसको बिठाता हूँ ना उसका नंबर ऑफ फैक्टोरियल स्ट्रेट अवे। तो पहले जिसको बिठाया उसका n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, बाद में जिसको बिठाया उसका फैक्टोरियल, तो n-1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। सो इट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। जैसा भी आप लेना चाहो आप इसे ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो और सब कुछ कॉपी कर रहे हो। पॉज कर करके वीडियो को देखिएगा। डोंट वॉच इट लाइक अ मूवी, वॉच इट पॉज कर करके। राइट योर सॉल्यूशंस डाउन। Every concept is being explained in detail here in this Apex Academics Permutations and Combinations video. हो सके तो please subscribe to Apex Academics. It's a channel that will help you to make sure that you are getting the right kind of content. और सब्सक्राइब करने की वजह से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा। आप आपके साथ साथ आपकी तरह एक और CA स्टूडेंट की हेल्प जरूर करेंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि यू आर डूइंग दैट। नेक्स्ट, देयर आर चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स। चलिए, 17 राज्यों के मुख्यमंत्री एक मीटिंग में आई है टू डिस्कस द हाइक इन ऑयल प्राइसेज एट अ राउंड टेबल। लो कर लो बात। दे आर ऑल सिटिंग एट अ राउंड टेबल। सॉरी, ये राउंड टेबल नहीं रहा, ये राउंड को ऐसे करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट देमसेल्व्स इफ केरला एंड बंगाल चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे और बंगाल की चीफ मिनिस्टर यहाँ पे। तो मिस्टर पी विजयन हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, पिनराई विजयन, और बंगाल की हमारी ममता दीदी। तो दीदी जी यहाँ पे बैठी है, ममता दीदी यहाँ पे बैठी है और मिस्टर विजयन यहाँ पे बैठे हैं। तो श्रीमान विजयन और ममता जी अपने आप में एक यूनिट हो जाएंगे। इनको एक यूनिट ही रखना है और इनको हमेशा साथ में ही रखना है, इनको हमेशा साथ में ही रखना है। तो 17 राज्यों के 17 चीफ मिनिस्टर, 17 states have 17 chief ministers. Out of this, you have to treat Kerala and Bengal as one unit. So how many units are you left with? You are left with 16 other units. These 16 can sit in any other order. On these 16, there is no condition. There is no condition. जिधर condition नहीं है उधर क्या हो जाता है, उसका n-1 फैक्टोरियल, मतलब 16-1 फैक्टोरियल, ये हो गया 15 फैक्टोरियल। अब देखिए, पी विजयन जो केरला के हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं और बंगाल की जो दीदी है वो यहाँ पे बैठ सकती है। और व्हाट यू कैन डू इज आप दीदी को यहाँ पे रख सकते हो और पी विजयन को आप यहाँ पे रख सकते हो। ये हो गए बंगाल की, ये हो गए केरला के। तो आपस में इन दो लोगों को अरेंज करने के लिए वी हैव गॉट 2 फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजिंग देम। तो ये जो है जिसमें कंडीशन है, जिसमें कंडीशन है उसको तो n के फैक्टोरियल को लेना है। तो 2 लोग हैं यहाँ पे, तो ये 2 फैक्टोरियल अपने आप में हो जाएगा। तो 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल आपका आंसर इसके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी और बहुत ही सिंपल कैटेगरी। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंट इस वर्ड का पहले स्ट्रेट एक स्पेलिंग लिखते हैं. व्हाट इज द स्पेलिंग? ACCOUNTANT. अब ये सम्स को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, इसका ना फैक्टोरियल लेने का, डिवाइडेड बाय जितने भी रिपीटिशंस होंगे इसका फैक्टोरियल लेने का. अब कैसे करने, ध्यान से. अकाउंटेंट का ना स्मार्ट स्पेलिंग लिखो. क्या लिखो? स्मार्ट स्पेलिंग. स्मार्ट स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? ACCOUNTANT. देखिए आप गिन सकते हो कि कितने बार कौन सा अल्फाबेट रिपीट हुआ है. तो A has been repeated twice, C has been repeated twice, N has been repeated twice and T has been repeated twice. How many alphabets are there in the word accountant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total number of alphabets का factorial divided by जितने repetitions है सबको लिखो उतने का factorial. कितने repetitions? A के 2, C के 2, N के 2 और T के 2. तो 2 factorial 4 times, क्योंकि A has been repeated, ये दो, there are two alphabets ना, that is. So how to write this? This is nothing but 10 factorial upon 2 factorial raised to 4. Look for your answer. Accountant, 10 factorial divided by 2 factorial raised to 4. Your answer is option number A. Very, very interesting category. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. और ये फ्री के मार्क्स है बॉस, ये मार्क्स फ्री के आपके जेब में है, ये आपको मिलने ही चाहिए. नेक्स्ट कैटेगरी और आई विल से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग, ENGINERING. इसे स्मार्ट स्पेलिंग के तौर पे लिखिए. ENGINERING. How many alphabets? 3 plus 3 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 1 11. 11 alphabets. Number of repetitions. E की 3 3 factorial, N की 3 3 factorial, G की 2 2 factorial, I की 2 2 factorial. 11 factorial divided by 3 factorial का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 factorial का स्क्वायर. वेरी इजी, वेरी सिंपल. बाकी ऑल आर रॉन्ग. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट का एक कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन, असैसिनेशन. सेम वे नंबर, अभी क्या बोलते हैं? अब देखिए व्हाट आर दे सेइंग? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. देखिए वर्ड अलग है. Permutation means arrangement. Don't be confused. Same way, write down the spelling of assassination. ASSASINATION. ASSASINATION. देखिए कितने रेपिटेशंस है. 3 plus 4 7 plus 2 9 plus 2 11 plus 1 12 plus 1 13. So in the numerator you have to have 13. A how many times? 3 times. S how many times? 4 times. I how many times? 2 times. Or N finally how many times? 2 times. So 13 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial into 2 factorial, which can be written as 13 factorial upon 3 factorial multiplied by 4 factorial multiplied by 2 factorial square. This is your answer. This is your answer for question number 16. Very important category, very interesting category we have seen. Let us go now to question number 17. which in itself is a very, very important question. You have to mark question number 17 as an important question in this entire series of permutations and combinations. Question number 17 आपको क्या बोलता है? Question number 17 आपको बोलता है कि how many numbers higher than a million can be formed with these digits? Okay. सबसे पहले million का मतलब क्या? Million का मतलब है 10 लाख. मिलियन का मतलब क्या? मिलियन का मतलब है 10 लाख. 10 लाख से बड़ा आंकड़ा आपको चुनना है. 10 लाख से बड़ा आंकड़ा आपको चुनना है by using the digits these ones. By using the digits these ones. So what are your options? 0, 4, 4. Now we will write this in a smart way. We will write this in a smart way. 0, 4, 4. 555 and 3 and 3. कितने तरीके नंबर ऑप्शंस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have got how many options? You have got 7 options. अब चलिए ध्यान दीजिए, आपको 10 मिलियन से ज्यादा लेना है. तो 10 मिलियन मतलब आपको यहां पे पहले, अब देखिए पहले नंबर पे यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि आपने यहाँ पे 0 लिख दिया तो आपका नंबर कभी भी 10 लाख के ऊपर आएगा ही नहीं. फिर आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखिए, वो नंबर लैक्स में ही होगा. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखिए 4, 4, 5, 5, 5 और 3. दिस नंबर इज नथिंग बट 4,45,553. इट इज ऑब्वियसली लेस देन 10 लाख. तो 0 ये नंबर यहां पे लिखा नहीं जा सकता. यू कैन नॉट राइट 0 ओवर हियर. सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द फर्स्ट प्लेस? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ मेनी वेज नाउ कैन यू फिल द सेकेंड? अभी यहां पे लेट्स अज्यूम 4, 4, 555 और 3 में से आपने 4 ये डिजिट को खर्च कर दिया. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट विथ यू? नाउ यू कैन यूज 0. आप 40 लैक्स ऐसा आंकड़ा बना सकते हो, आप 50 लैक्स ऐसा आंकड़ा बना सकते हो, आप 30 लैक्स ऐसा आंकड़ा बना सकते हो. तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो. तो 0 यहाँ पे अलाउड है आपको लिखना. तो आप इस डिजिट को कितने तरीकों से भर सकते हो? 0 लिख सकते हो. 4 तो खर्च हो गया, मतलब 1 4 बचा, 3 5s है आपके पास और ये 3 बचा. 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेज से आप इसे भर सकते हो. अब अज्यूम कीजिए आपने यहाँ पे 0 यूज कर लिया, तो आप कितने तरीके बचे आपके पास? 4 बचा, 5 बचा, 5 बचा, 5 बचा और ये 3 नंबर बचा. अज्यूम कीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो इसको 5 तरीके से भर लिया. अज्यूम कीजिए 3 आपने यहाँ पे खर्च कर दिया. अब इसका बात करते हैं, हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक? दिस पर्टिकुलर ब्लैंक कैन बी फिल्ड, लेट्स से 3 हैज बीन यूज्ड. सो 4, 5, 5, 5. दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज. Now this blank is left. Let's say आपने यहाँ पे 4 यूज कर लिया, अब कितने बचे? 5, 5, 5. You can fill this in 3 ways. अब कितने बचे? 2 बचे. 5, 5. You can fill this in 2 ways. 5 खर्च हो गया, अब कितना बचा? बेचारा एक ही 5 बचा. तो you can fill this in these many ways. Now keep in mind there are repetitions over here. 2 and 3. How many? 2 and 3. So how many ways can you fill this up? You can fill this up in 6 multiplied by. अब नोटिस कीजिए 6 multiplied by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is nothing but 6 factorial divided by 2 repetitions 2 factorial 3 repetitions 3 factorial. So what is your answer? It is 6 multiplied by 6 factorial divided by 2 factorial multiplied by 3 factorial. तो ये कैसे लिखेंगे? अब देखिए 3 factorial, it is nothing but 6. Why? 6 multiplied by 6 factorial. So 2 into 3 into 2. ये दोनों उड़ गए. अब क्या बचा? 6 factorial upon 2 factorial. 6 factorial, my dear friends, is 6 into 5, 30 into 4, 120 into 3, 360 multiplied by 2, 720 divided by 2 factorial is 2, which is how many ways? 360 ways. How many ways? 360 ways you can solve this particular question. You can solve this particular question. please understand this can be done in how many ways? 360 ways. Remember, this was the most commonly used method. You can also say कि इसको 6 तरीकों से arrange करने के बाद, इसमें 6 तरीके करने के बाद मेरे पास options बचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 options for 6 places. So 6 numbers in 6 places can be arranged in 6 factorial ways. So first in 6 ways, then 6 numbers in 6 places, 6 factorial ways, divided by the repetitions is this. Your answer is 360. इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. Next question. The number of permutations of the word Allahabad is how much? तो चलिए अलाहाबाद की स्मार्ट स्पेलिंग को लिखिए. ALLAHABAT. स्मार्ट स्पेलिंग ALLAHABAT. How many alphabets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many alphabets? 9 alphabets. How many repetitions? 4. 2. Sum is over. Sum is over, boss. Marks are in your pocket. Next. How many ways the vowels of the word Allahabad will occupy the even places? Very interesting. What are they asking you? They are asking you how many ways can the vowels occupy the even places? So chaliye, ALLAHABAD. I know that there are 9 alphabets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और यहाँ पे 9 alphabets. 9 alphabets. They are saying vowels. 1 vowel, 2 vowel, 3 vowel, 4 vowels. What are the vowels? A, E, I, O, U. Remember, there are repetitions in the vowels. Vowels have to occupy the even places. There are 4 even places for 4 vowels to be arranged, and A is repeated 4 times. Means yahan pe you can arrange the vowels in 4 factorial ways divided by the number of repetitions, which is equal to 4 factorial. How many places are left? 1, 2, 3, 4 and 5. Those 5 places can be arranged in 5 factorial ways. This is 1. The answer over here is 5 factorial. And how do you write the word 5 factorial? How do you write 5 factorial? 5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 4s are 20, 3s are 60, 2s are 120. Aapka jawab hai 120. So easy, so simple. 1 mark in your pocket. How many arrangements? Arrangements मतलब क्या? Permutations can be made out of the word mathematics. M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S. M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S. M-A-T-H-E-M-A-T-I-C and S. How many alphabets? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 alphabets divided by the number of repetitions. 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Your answer is option number A. So easy, so simple. 1 marks in your pocket. 1 mark in your pocket. Next. Oh, I'm sorry. I have clicked on the wrong question. We were doing question number 20. Please note, we are doing question number 20. Galti ho gayi, maaf kijiye. This is your answer. We are talking only about the arrangement. So mathematics ki permutation hai. Ye abhi tak vowels ki baat hui nahi hai. तो हम 20वां सवाल कर रहे थे, जिसका जवाब ये आपके सामने है. अब 21वां सवाल. अब आता है क्वेश्चन नंबर 21. ये क्या बोलता है? हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड सो दैट द वावल्स ऑकर टुगेदर. ओके. MATHEMATICS. What are the vowels? A, E, A, I. These vowels have to be kept together. 1, 2, 3, 4. बचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो इनको साथ में रखो, इनको साथ में रखो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने बचे? Now, please understand. Please understand. The four vowels can be arranged. The four vowels can be arranged together in how many ways? The four vowels can be arranged with each other in the 4 factorial ways. In how many ways? 4 factorial ways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये अपने आप में एक अरेंजमेंट बन जाता है. That is 8. So there are 8 arrangements. 8 factorial multiplied by number of vowel arrangements 4 factorial in the numerator. Denominator में repetitions. Mathematics में repetitions क्या है? Write the smart spelling. M A T H E M A T I C S. दो 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 divided by what? 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. How can this be written? This can be written as 8 factorial into 4 factorial upon 2 factorial का क्यूब. The answer is 21B. The answer is 21B. How many ways can the word letters of the word arrange be arranged? Arrange मतलब वापस क्या? Permutations. Same variety चल रही है. A R A N G E. Smart spelling A R R A N G E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factorial divided by 1, 2. 2 factorial into 2 factorial, but the number is given to you, so no problem, no problem. 7 factorial is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 2 into 2 is 2 factorial. 7 into 6 7 6 5 3 2. Your answer is 1260. 7 into 6 into 5 3 into 2. 1260. 1260. We have completed 22 questions out of 144 so far. In our first video, we'll be doing somewhere around 25-30 questions. We'll be doing somewhere around 25-30 questions. So now we come to question number 23, important variety. Question number 23, important variety. Now 23, 24, and 25 in a way or the other are related to each other. So let us see. How many ways can the word arrange be arranged such that two R's are coming together? Okay. Such that two R's are coming together. Now, let us see what happens. Please pay attention. Now, we want two R's together. R. ये पहला R और ये दूसरा R. फिर A N G E. How many ways? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial. और R1 ऐसे लिखा, R2 ऐसे, R2 ऐसे लिखा, R1 ऐसे. 2 factorial. Divide by what? Divide by the repetitions. What are the repetitions? Smart spelling. A R R A N G E. 2 factorial. Cancel. What is 6 factorial? 6 factorial is 6 into 5, 30 into 4, 120. 120 into 3, 360 into 2, 720. Divided by 2, which is equal to 360. Which is equal to how much? 360. Such that 2 R's come together. 360. How many ways can the word arrange be arranged such that 2 R's don't come together? अरे common sense है. अभी आपने कैसे arrange किया? What are the number of ways of arranging the word arrange? आपने अब भी किया question number अभी देखिए. आपने arrange को arrange किया in the question number 22. In 1260 ways you arrange the word arrange. In 1260 ways, you arrange the word arrange. So what are the total number of ways in which you can arrange the word arrange? The total number of ways of doing that is 1260. What are the total number of ways? 1260 ways में you can arrange the word arrange. अभी देखिए, हाँ अभी समझो number of ways of arranging the word arrange. अभी बात को समझना. There are 1260 ways of doing that. Now how many arrangements such that are come together in how many ways? In 360 ways. So obviously जो बची हुई arrangements है वो ऐसी होंगी कि are not together. 900. कितने बचे? 900. Very easy, very simple. Let us go to the next question. What does the next question say? In how many ways the word arrange can be arranged? In how many ways you can arrange the word arrange such that R and A is always coming together? Such that what is happening? R and A is always coming together. तो चलो arrange को लिखते हैं. R is always together and ये R1 ये R2 and A's are together. तो R गया और A गया, क्या बता? NGE. क्या बचा? NGE. So how many ways of doing this? 1 2 3 4 5. 5 factorial multiplied by R1 R2 R2 R1. R के लिए 2 factorial. A1 A2 A2 A1 मतलब पहला वाला है, दूसरा वाला है, दूसरा वाला है, पहला वाला है, डिवाइड बाय रेपिटेशंस. व्हाट इज आंसर? 5 factorial. हाउ टू राइट 5 factorial? 5 into 4 20 into 3 is 60 2 is 120. व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 25A. अब याद रखिए, हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. आप पूरा YouTube ढूंढ के निकालिए, ये एपेक्स का चैलेंज है. आप ये जो सारे क्वेश्चंस हैं फुल YouTube आर फुल ऑफ फैकल्टीज हु टीच दिस बाय ट्रायल एंड एरर. दैट इज अ वे ऑफ मेकिंग द स्टूडेंट वीक. ट्रायल एंड एरर से स्टूडेंट अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. इंशाल्लाह इट इज पॉसिबल. नो प्रॉब्लम्स. एक बात को याद रखिए. इफ यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू डू बाय यूजिंग इक्वेशंस. ये वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशन से कैसे करना है. आगे जो पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इसका आपको मिल जाएगा, उसमें मैं ट्रायल एंड एरर से सिखा दूंगा. लेकिन अब पहली मर्तबा मैं आपको सिखाना चाहता हूं इक्वेशंस. I want to be honest to God Almighty and show the student all the possible ways. And that is why equation is the most honest way to teach the students. माफ कीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा क्लैरिटी मिलेगा. मेरी जुबान है, देखिए कैसे करते हैं. NP4 is equal to 12 multiplied by NP2. सबसे पहले NP4 NPR को कैसे लिखते हैं? N factorial upon N minus R factorial. तो लिखिए NP4 को वैसे लिखिए, N factorial upon N minus 4 factorial is equal to 12 multiplied by NP2 को लिखिए N factorial upon N minus 2 factorial. अब समझो बात. N-2 और N-4 में बड़ा कौन है? बड़ा N-2. तो N-2 से छोटा क्या? N-3 से छोटा क्या? N-4. अगर मैं बोलूं 6 factorial तो कैसे लिखोगे? 6 into 5 factorial. कैसे लिखोगे इसको आगे? 6 into 5 into 4 factorial. तो N-2 के फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? N-2 के फैक्टोरियल को लिखोगे ऐसा, N-2 मल्टीप्लाई बाय N-3 मल्टीप्लाई बाय N-4 का फैक्टोरियल. अब इक्वेशंस तो इतनी आप समझ ही चुके हो, जहां पे आपको पता है कि अगर मैं लिखता हूं A into B is equal to C अपॉन D. इसका मीनिंग यही है, A अपॉन B इंटू C अपॉन D उस तरफ चला जाएगा. तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो? आप बेसिकली यू कैन ए इंटू बी इंटू सी अपॉन डी। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप बेसिकली नंबर्स को आपस में कैंसल कर सकते हो। यू कैन डू द कैंसलेशन ऑफ द नंबर्स अमंग देमसेल्व्स। ये खैर बहुत ही सिंपल है, पर इक्वेशंस बोला था मैंने तो मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे n माइनस फोर फैक्टोरियल आप जो है कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे n फैक्टोरियल जो आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसा है, 1 = 12/(n-2)। तो ये n-2 n-3 ये 1/1 आप उस तरफ न्यूमरेटर में लेके जाओगे। n-2 n-3 = 12। n-2 n-3 को खोल दो, n (-3) - 2 (n-3) = n² - 3n - 2n + 6 -12 = 0। वो 12 को उधर ले गया। अब क्या है, n² - 5n - 6 = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो ऐसे नंबर जिसका टोटल आता है -5, जिसका टोटल है -5 और जिसका मल्टीप्लाई है -6। तो कैसे करेंगे, n² - 6। सो -6 × +1 = -6 and -6 + 1 = -5. So this can be written as n² - 6n + n (1n) = n - 6 = 0. n (-6) + 1 (n-6) = 0. n-6 = 0 or n+1 = 0. So n = 6 और n = -1. n = -1 is absurd. ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपको n में से r अरेंजमेंट्स निकालनी है। तो आपका नंबर -1 ये कभी हो ही नहीं सकता। आपका जवाब आएगा n = 6। आपका जवाब यहाँ पे आता है n = 6 फॉर योर क्वेश्चन नंबर 26 जो अभी चल रहा है। ये आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे आपका जवाब है n = 6। यहाँ पे आपका जवाब है n = 6। ये पूरे कैलकुलेशन को एक बार समझ लीजिए। ट्रायल एंड एरर से मैं आगे वाले वीडियोस में आपको जरूर समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये समझ के लेना बहुत जरूरी है, फिर आपकी इक्वेशंस अच्छे से बैठ जाएगी। नेक्स्ट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है 4 × (np3) = 5 × (n-1)p3। बहुत ही आसान, नथिंग टू वरी अबाउट। 4 × (n-3) = 5 × (n-1)(n-3)/(n-1)/(3). सो 4 × (n-3) = 5 × (n-1)/(n-4)। n से छोटा नंबर n-1, तो n (n-1)/(n-1). आप ऐसे भी लिख सकते हो n × (n-1) × (n-2) लेकिन इधर जरूरत नहीं है, मुझे n-1 फैक्टोरियल को एलिमिनेट करना था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब n-3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, n-3 से छोटा कौन सा है, n-4। सो n-3 × (n-4)/(n-4). सो 4 × (n)/(n-3), जरा क्लियरली लिखता हूँ, हैंड राइटिंग थोड़ा सा बुरा था, × (n-4)/(4n) = 5 × (n-3). Therefore, 4n = 5n - 15। 15 को उधर लेके जाओ, 15n और 4 को इधर लेके आओ। सॉरी 15 है वो, 15n नहीं है, माफ कीजिए, ये 15 है। तो 15 को वहां लेके जाओ, 15 और ये 4 को वहां लेके जाओ, सो इज इक्वल टू 5n माइनस 4n, सो ऑब्वियसली 15 इज इक्वल टू n. योर आंसर इज n इन क्वेश्चन नंबर 27. n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15. ये आप लिखिएगा आपके नोटबुक में, इसको एक तरीके से ढंग से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने मॉडल सॉल्यूशंस में ट्रायल एंड एरर नहीं किया है. ये इंस्टीट्यूट का मॉडल सॉल्यूशन मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं. ट्रायल एंड एरर जो जरूरी होता है एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए, सब कुछ करने के लिए. हमारे पास 144 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस की वैरायटी आगे भी रिपीटेड है, उसमें मैं आपको ट्रायल एंड एरर से बिल्कुल पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा. पर तब तक के लिए प्लीज फोकस ऑन द इक्वेशन सॉल्विंग. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर है 28 आपका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28. ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वैरायटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पूछता है NPR डिवाइडेड बाय N-1 PR-1 क्या है. देखिए NPR क्या है, N फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N-1 फैक्टोरियल अपॉन N-1 माइनस n फैक्टोरियल. को लिखने का तरीका ये ऐसे हो गया, n-1 माइनस r प्लस वन कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ये भी यहाँ पे आपके सामने बन जाता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 n-r का फैक्टोरियल. कैंसल 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 कैंसल, दिस इज 1, सो n डिवाइडेड बाय 1 इज n अपॉन 1 विच इज इक्वल टू n. आपका आंसर है n. विद दिस यू हैव सॉल्व्ड इट विद इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 28 ये है मॉडल ICAI सॉल्यूशन जो स्टूडेंट के नोटबुक में होना चाहिए. इसके बाद ट्रायल एंड एरर से कैसे करेंगे, इसमें एक छोटा सा नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप जनरली इसमें 3 ले सकते हो, तो देखिए 3 मेरा फेवरेट नंबर होता है क्योंकि 3 इज मोस्ट इजी टू कैलकुलेट. तो करिए, अभी ट्रायल एंड एरर से आपको सिखा देता हूँ. करिए, इसको 3 लीजिए, तो यहाँ पे कीजिए 3 है ना, 3 PR, और फिर यू हैव टू डू द थिंग अहेड, यू हैव टू डू द थिंग अहेड एंड यू विल गेट द थिंग. यू कैन टेक 3 इज n, r आप ले सकते हो 2, जैसा भी आपकी मर्जी करे, या n आप ले सकते हो 4, r आप ले सकते हो 2, और इसमें आपका कैलकुलेशन आप आगे कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इसको इस तरीके से करना जो है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर जो है मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियोस में. अब ये देखना जरूरी है कि इक्वेशन से करते कैसा है. बार बार आपको बोल रहा हूं, ये बोल के मत, ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये तो लॉन्ग कट है. नहीं, ये करना जरूरी है ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए और आपके पास मॉडल आंसर भी आपके नोटबुक में बने. वी हैव फिनिश्ड 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 144 क्वेश्चंस. अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 टू क्वेश्चन नंबर 60, और उस तरीके से 30, 30, 25, 30 ऐसे करके हम इस सीरीज को खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड अटेंशन. उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे. मॉडल सॉल्यूशन जरूर बना लीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक. सब्सक्राइब टू एपेक्स एकेडमिक्स फॉर मोर, एंड रिमेंबर, थिंक CA फाउंडेशन, ओनली थिंक एपेक्स एकेडमिक्स. बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय.